मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धांडीवाला से हुई है। उसके बाद मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल ढांडापागर से की है और मेरी ट्वेल्थ जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री में गवर्नमेंट कॉलेज पोंटा साहिब से की है। मेरा उद्देश्य बैंकिंग एग्ज़ाम्स ही था, मैं इसके लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। हाँ जी, अभी मेरा ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट का हुआ था, काफ़ी रहा है। इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई है, लेकिन माँ बाप की कृपा से, बुजुर्गों की कृपा से ये सब हो गया। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे गुरुजन, इन सभी को देना चाहूँगा और मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ है, तो आपको वहाँ से ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। आगे का लक्ष्य मेरा सिविल सर्विसेज का है, मैं उसके एग्ज़ाम्स दूंगा। अभी मेरी उम्र 20 साल 11 महीने है, मैं इस मंथ 21 साल का पूरा हो जाऊंगा। मेरे पिताजी जो है अभी OTGT आर्ट्स के पद पर कार्यरत है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टोन में उनकी अभी पोस्टिंग है, और मेरी माताजी जो है वो गृहिणी है। इसके लिए मैंने घर बैठे ही तैयारी करी है और मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था HP स्टडीज़ चंडीगढ़ से। अच्छा। इसकी नोटिफिकेशन जो है 2023 में अगस्त के महीने में आई थी और इसका एग्ज़ाम 3 और 7 नवंबर 2023 को हुआ था। उसके बाद जो है इसके इंटरव्यू चले थे 4 जनवरी से 10 जनवरी तक, और कल 12 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई कोई भी बच्चा अगर गलत रास्ते की बजाय पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाए, अपने माता पिता के भी भावनाओं को समझे, तो ऐसी कोई बड़ी मेहनत करने से बड़ा कार्य भी बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करे तब तक वो सफलता अचीव नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं थोड़ा इतना कहना चाहूँ कि ये मेरा जो बेटा है ये सभी मतलब प्राइमरी प्राथमिक स्तर से लेकर लास्ट तक सरकारी विद्यालय में पढ़ा है। तो लोगों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा बहुत ही आजकल बड़ी सुविधाएँ दी जा रही है और वेल ट्रेन टीचर होते हैं, तो उसके प्रति अपना रुझान रखें, सरकारी की अपने विश्वास बनाए रखे, और बाकी मेहनत तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो उसके लिए तो अपना टारगेट हासिल करने के लक्ष्य मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ाता था बच्चों को, मेरा पहला जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट प्राथमिक पाठशाला शिला से ही हुई है, और मैंने वहाँ से लेकर मेरा अपना यही लक्ष्य था कि लोग भी इस बात को समझे कि सरकारी विद्यालय में के प्रति जागरूक हों। और तो मैं यही था कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाए जाने चाहिए। जब मैं खुद अपने आप इस चीज़ की पहल करूँगा तो लोगों को भी संदेश जाएगा और करना भी चाहिए लोगों को, तभी जो है भारत सरकार के जो प्रयास है उसमें सफलता हासिल की जा सकती है।